पड़ेगी। हाँ चला जा रहा है ना, तो इसका सलूशन बताया है। कईयों की दिक्कत आई थी, याद रखना। हाँ विंडो में जाना है, शो व्यू में जाना है, ब्रेक पॉइंट्स में जाना है, और यहां जब जाओगे तो चेक बॉक्सेस मिलेंगे जहां जहां ये रुकेगा। अब यहां पे कई बार उन क्लासेस का नाम मेंशन होगा जो तुम्हारी क्लासेस नहीं है, वो कोई इंटरनल क्लास है। अक्सर फंस जाता है वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन वाला कुछ या ऐसा कुछ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बार बार वहां जाके रुकता है, क्योंकि वो क्लास हर जगह कॉल होती है। एक मिनट, पहले बात क्यों कर रहे हो यार लोग? बात देखो यार, तुम हम जाए बात कर लो पहले। यहां अब बात करने का क्या मतलब है? अब जैसे ये जो सवाल पूछ रहे हैं, इनको शायद पहले से पता होना चाहिए था, समहाउ इनसे मिस हुआ ना। अब बहुत से लोग आज बैठ के मिस कर रहे हैं, बाद में कहोगे मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है। तो ये देखो, विंडो में जब कहीं भी फालतू रुकने लगे ब्रेक पॉइंट पे, मतलब जहां नहीं भी लगाया है वहां भी क्या करे, रुकने लगे, तो समझ जाना कहीं ना कहीं यही दिक्कत है। और यहाँ पे तुम्हारी उस क्लास का नाम भी मेंशन होगा उस लिस्ट में। उस चेक बॉक्स को सिर्फ क्या करना, अनचेक कर देना, अक्सर क्लास नॉट फाउंड या ऐसा। और जो सोर्स नॉट फाउंड तुम कह रहे हो ना, वो देखो क्या है, पहले ये चीज सब लोग समझ लो। सोर्स नॉट फाउंड जो डीबगिंग के टाइम पे आता है, जैसे देखो ध्यान से समझो, हमने तुमको बताया है, जैसे चलो ये चीज फिर से आज समझ बहुत जरूरी है। हाँ रिकॉर्डिंग चलो, नहीं चल रही। हाँ ये देखो, अच्छा ये बताओ, पहले ये बताओ, किसी भी लाइन में क्या होता है मैक्सिमम? किसी भी लाइन में दो ही चीजें होती हैं, या भाई कोई मेथड क्या हो रहा होता है, कॉल हो रहा, या तो कोई मेथड कॉल हो रहा होता है, या तो कोई क्या हो रहा होता है, मेथड कॉल हो रहा होता है? नहीं, मेथड जो होगा तो किसी क्लास का होगा। अगर मेथड कॉल हो रहा है तो किसी क्लास का ही कोई क्या हो रहा होगा, किसी भी लाइन में या तो मेथड कॉल हो रहा होगा, या तो तुमने कोई बड़ी बेसिक लाइन लिखी हो। बेसिक का मतलब जैसे तुमने लिख दी होगी, लिख दिया होगा जैसे इंट ए इक्वल टू 10 या 60 जो भी, ऐसी टाइप की दो लाइन लिखते हो। और क्या लिखते हो बताओ? हर लाइन में कोई ना कोई मेथड, जैसे अब ये लिखते हो ना सिस्टम, पहले ये देखो तुम लोग को समझ में आता है, आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहां पे कुछ प्रिंट करने के लिए भेजते हो, तो यहां पे क्या हो रहा, यहां कौन सा मेथड कॉल हो रहा है? पूरा इस तीन लाइन का क्या मतलब समझ में आ रहा है, देख के बताओ। देखो ये सिस्टम तुम किए नहीं हो, तो ऑब्जेक्ट तुम बनाए नहीं, सिस्टम नाम ये क्या है, फिर इसके बाद तुम यूज कर रहे हो क्या, डॉट आउट। फिर ध्यान से देखो, बेसिक बात याद रखो बस, आगे पैरेंथेसिस नहीं है, मतलब ये मेथड नहीं है, मतलब ये मेथड नहीं है। भाई दो ही चीज होती है क्लास के साथ, या तो स्टैटिक मेथड या तो स्टैटिक वेरिएबल। तो आउट नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल जो अब देखो हमें भी नहीं याद है, जो क्या करता है कि किसी क्लास के उसके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो भाई वेरिएबल के पास जो होता है वो देता है। इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पकड़ा दिया। हमें नहीं याद है किस क्लास का, प्रिंट स्ट्रीम और डॉट। भाई जब प्रिंट आउट के बाद तुम्हें क्या मिल गया, भाई वेरिएबल के अंदर दो ही चीजें होती है ना, या तो वैल्यू डाल सकते हो या तो वैल्यू निकाल सकते हो। डॉट आउट लिखा तो उसके अंदर जो है वो मिलेगा, क्या मिला, प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। अब आगे डॉट लगाया और तुमने मेथड कॉल किया क्या, प्रिंट एलन। तो अब उस प्रिंट स्ट्रीम क्लास का प्रिंट एलन नाम का एक नॉन स्टैटिक मेथड कॉल हो रहा, ठीक है, और ये दिखता है साफ साफ। अब जैसे देखो, ये मेथड्स तुम्हारे बनाए हुए नहीं, ये तो बड़े बेसिक बताया। अब इसके बाद जो भी यूज करते हो, मैक्सिमम जो होते हैं बॉस, जैसे सेलेनियम के सारे मेथड तुम्हारे बनाए हुए नहीं,
कब आता है ये, जैसे तुम कह रहे हो ना, जैसे मान लो ये कोड है, ये क्लिक मेथड है, ये क्लिक मेथड तो तुम्हारा बनाया हुआ है ना वेब यूटिल का, ये जो क्लिक मेथड है ये तुम्हारा बनाया हुआ है किसका, वेब यूटिल का। इसका काम क्या है, क्लिक करना है ना। अब इसका कोड तुमने लिखा है भाई, अंदर गए जाके देख पा रहे हो कि नहीं, ये तुम्हारा लिखा हुआ क्या है, कोड। अब अगर देखो ध्यान से, कहीं पे भी नहीं, जैसे ये मान लो इस लाइन पे ब्रेक पॉइंट है, चलते हुए यहां पे पहुंचा। अब देखो जब ब्रेक पॉइंट है, याद रखना तुम्हारे पास ये दो, याद रखो, एक थोड़े मुझे दिख रहा है ना, एक स्टेप इनटू तुमको बताए और एक क्या बताए, स्टेप ओवर। स्टेप इनटू का काम होता है जैसे wt.click पढ़ेगा तो वो क्लिक के अंदर जाने की कोशिश करे, और जाके उसका, इसका ये टारगेट रहेगा कि क्लिक के अंदर जाए और पहली लाइन पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर कहेगा आगे जैसे भी चलाना है स्टेप इनटू स्टेप ओवर से चलाओ। और अगर तुम यहीं पे इसका यूज कर लोगे, किसका, स्टेप ओवर, देखो लिखा हुआ दिखाई देगा कर्सर, तू लेके जाना, तो ये जानते हो क्या होगा, क्लिक मेथड को पूरा बस चला देगा। अब अगर देखो चला देगा तो अंदर क्या हो रहा है तुम देख नहीं पाओगे, अंदर देखना चाहते हो कि इस क्लिक मेथड में क्या क्या हो, क्या हो रहा है, तो उस कंडीशन में तुम किसका यूज करोगे, स्टेप इनटू का। आवाज याद रहेगी ये बात, याद रखना स्टेप, चलो स्टेप क्या है, इनटू, और एक है स्टेप ओवर। स्टेप इनटू का मतलब देखो नाम से ही है ना, मेथड के अंदर जाएगा, मतलब इनटू दी मेथड, स्टेप ओवर कि पूरे स्टेप को पूरा चला देगा, ओवर मतलब पूरा ही होता है ना, तो ये क्या करेगा, उसे ओवर करेगा, मतलब उसे पूरा चलाएगा। अच्छा, इन दोनों के लिए शॉर्टकट की भी, F5 है स्टेप इनटू के लिए और F6 है स्टेप ओवर के लिए, दोनों का इस्तेमाल तुम कर सकते हो। चाहो तो माउस के सहारे आके यहाँ पे क्लिक करो, चाहो तो F5 और F6 करो, लेकिन कभी कभी आजकल देखो सिस्टम पे एक FN करके भी की होती है ना फंक्शन की, और बहुत से लोग के सिस्टम पे ऐसा होता है कि सेट होता है, मतलब जो आवाज बढ़ती है, ब्राइटनेस बढ़ता है, ये सब किससे होता है, डायरेक्ट होता है, और F1, F2, F3 के लिए क्या करना पड़ता है, पहले FN प्रेस करना पड़ता है। तो या तो F5 से या तो FNF5 से, जैसा तुम्हारे कीबोर्ड तुम्हारा कॉन्फ़िगर्ड है, ये स्टेप इनटू कर सकते हो और स्टेप ओवर। क्लियर है, बात समझ में आई। लेकिन अब देखो यहाँ एक लेकिन पैदा होता है, मान लो तुम्हारा भाई जब स्टेप इनटू किया तो यहाँ आके रुक गए, अब क्या करोगे, देखो ध्यान से देखो कहाँ कहाँ हुआ, तुम चलते हुए यहां पहुंचे थे, यहां चलने के बाद तुमने किसका यूज किया, स्टेप इनटू का। तुम अच्छा स्टेप इनटू का यूज करने में, चलो मान लो तुम कहां पहुंच गए, क्लिक के अंदर, या तो अब देखो ध्यान से, यहां पे एक मेथड कॉल हो रहा है, वेब एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है wobj.getAccessibleName, ये तुम्हारा बनाया हुआ मेथड नहीं है, ये सेलेनियम का बनाया हुआ मेथड है, ये जो क्लिक मेथड है, ये वाला जो क्लिक है ये तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, किसका है, सेलेनियम का बनाया हुआ। यहां जब पहुंचा अगर मान लो, या यहां पहुंचा, यहां अगर ये F5 करने की कोशिश किए, ध्यान से समझना इस बात को, यहां अगर क्या किए, F5 करने की कोशिश किए, तो वो जाना चाहेगा इस मेथड के अंदर, और सीधी बात है ये मेथड तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है। ये मेथड कहाँ का है, जार का है, जार में अक्सर कंपाइल फाइलें पड़ी होती है, क्योंकि असली काम तो कौन करता है, कंपाइल फाइलें करती है भाई, असली काम कौन, तुम्हारे यहाँ भी जो चलती है वो कौन सी क्लास, कौन सी होती है फाइल, कंपाइल वाली, यहाँ तो तुम अपडेट करते हो ना, इक्लिप्स अपने आप क्या करता है, कंपाइल करता है और इसके बाद उसे क्या करता है, चलाता है, चलता तो क्या है, डॉट क्लास फाइल है ना यार, जिसको तुम भले ना छुओ आखिर में चलता कौन, तुम्हारा भी अगर ये मैवन प्रोजेक्ट में बताया गया है, एक SRC है और एक क्या है, टारगेट, और टारगेट के अंदर तुम्हारी क्या है, कंपाइल वाली
फाइल है वही डॉट क्लास फाइल, ठीक है। तो जो जार होती है, अक्सर जार कैसे बनाते हैं वो लोग, जितनी कंपाइल भाई कोड लिखा उसको कंपाइल कराया, जो कंपाइल होके बना उसको जिप किया, क्या बनाई जार बनाई, नेट पे डाल दिया, तो उसका सोर्स कोड नहीं है, उसका क्या है सिर्फ कंपाइल्ड कोड है, उसका सिर्फ क्या है कंपाइल्ड कोड है। अब इस वजह से अगर तुम इस लाइन पे F5 करने की कोशिश करोगे, ध्यान से सुनो, F5 या स्टेप इनटू, तो ये जाके जाने की कोशिश करेगा कहां, गेट एक्सेसिबल नेम मेथड के अंदर, जबकि इसके पास इसका सोर्स कोड नहीं है, सिर्फ क्या है कंपाइल्ड कोड है, कंपाइल्ड कोड तो समझने वाला होता नहीं, तो बेचारा ले कैसे है, तभी एक आ जाता होगा इक्लिप्स में सोर्स नॉट फाउंड, जब भी आए तो समझ जाना जिस मेथड के अंदर जाने की तुम कोशिश कर रहे हो उसका सोर्स कोड तुम्हारे पास नहीं है। अक्सर ऐसा तब होगा जब किसी जार को या किसी दूसरे की चीज को क्या करोगे यूज करो, अपनी चीजों का कोड तो तुम्हारे पास होगा, वहां F5 करोगे तो अंदर जाओ। ना, जैसे तुम किए वो जानते हो क्या होता होगा, सोर्स नॉट फाउंड करके क्या होता आता हो, एक एक स्क्रीन आ जाती, भाई वो कहां लेके जाए तुमको यार कंपाइल फाइल में, वहां तो चिन्ह मिन्न बने हुए हैं, भाई कंपाइल होने के बाद कोड कैसा दिखता है देखा है ना, पता नहीं क्या जीरो चिन्ह बराबर और क्या क्या डैश क्या क्या बना होता है, उन्होंने अपने हिसाब से किया होता है, अब वहां कहां लेके जाए, अब इसी वजह से वहां रोक देता है। लेकिन ध्यान से देखना ये वाली जो बटन है रिज्यूम वाली दिख रही है, ये वाली जो बटन होती है ये आधी पीली और आधी हरी होती है, हाफ मतलब येलो होती है और हाफ ग्रीन, तुम्हें पता है ना कहां जाने पे ऐसा हुआ है, तो तुम्हारा अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए तो उसकी जहां पे जैसे F5 जैसे मान लो यहां कर रहे हैं F5 करने की कोशिश किए तो ये कहां चला गया, सोर्स नॉट फाउंड हो गया, लेकिन ये देखोगे एक्टिवेट हो जाएगा हरा और पीला हो जाएगा, तब जानते हो क्या करेंगे हम अगली लाइन पे क्या कर देंगे ब्रेक पॉइंट लगा देंगे और फिर इसी पे क्या करेंगे। देखो ब्रेक पॉइंट बड़ी सही, मान लो अगर डिबग करने में अभी तुम्हें बहुत नहीं समझ में आ रहा था, इतनी मेहनत करनी है, एक एक लाइन चलाते जाओ अगली लाइन पे जाके क्या करते जाओ ब्रेक पॉइंट लगाते जाओ और इसी बटन पे क्या करते जाओ क्लिक करते जाओ, अपने आप उतना चलाए अच्छा स्टेप ओवर करने के टाइम पे आ रहा था। देखो अच्छा चलो ये भी है, ऐसा कब होगा जब तुम्हारे पास स्टेप ओवर के टाइम आ जाए, तो कई बार शायद तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम जो यूज कर रहे हो ध्यान से समझना, तुम्हारे पास सिर्फ अपना कोड और जार का बेसिक कोड ही नहीं होगा, कोई टेस्ट एंजिन जैसा यूज कर रहे होगे, जब टेस्ट एंजिन जैसा कोई यूज कर रहे हो तो वो कह रहा है भैया तुम्हारे लिए चलाने वाला काम अब हम देख रहे हैं, तो बहुत सा दिमाग खुद ही लगा के अंदर अंदर करता है ना, इस वजह से आता है। लेकिन जब भी ऐसा आए तो तुमको लगता है जहां की अब यह जहां जाने वाला है वहां जाके ब्रेक पॉइंट लगाना और इस रिज्यूम बटन पे क्या कर देना क्लिक कर देना, अपने आप वहां जाके आगे रुक जाएगा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तब ऐसा भाई टेस्ट एनजी के साथ होगा, जे यूनिट के साथ होगा, भाई टेस्ट एनजी जब यूज करते हो तो रन भी करने का तुमसे वो ले लेता है ना, कहता भाई यहाँ पे ऐसे भरो इसमें XML में या ये एनोटेशन लगाओ हम तुम्हारे लिए क्या कर देंगे चला देंगे, बिफोर मेथड के बाद से बिफोर मेथड से बिफोर एट द रेट टेस्ट पे क्या करना होता है जंप करना होता, अंदर ही अंदर बहुत चीजें होती है ना, कैसे जंप हो जाता है ऐसे जंप हो जाता है, टेस्ट एनजी वालों ने अपने कई मेथड्स बनाए हैं और कई कोड बनाए हैं, इसी वजह से ऐसा होता है, जब टेस्ट एनजी यूज करोगे तभी होगा, जो तुमसे रन हो करने का भी कंट्रोल क्या करेंगे ले लेंगे। नहीं नहीं देखो टेस्ट स्क्रिप्ट में तो दे ही सकते थे, अब वही तो हमने बताया इन सारी चीजों को अगर तुम्हें कुछ लगता है कोई चीज
इसी ग्रुप से रिलेटेड है, ऐसा कुछ है, तो सब कुछ कहां मेंशन कर दो, बेस टेस्ट के अंदर। तब तुमको अलग अलग मेंशन करने से क्या हो गए, बच जाओ। अदरवाइज स्मोक के टेस्ट केस तो एक ही क्लास में नहीं होंगे ना, वो अलग अलग क्लासेस में क्या होंगे, बिखरे होंगे। भाई तुमने क्या किया है, सेल्स के लिए अलग क्लास बनाई है, मार्केटिंग के लिए क्या बनाई है, अलग क्लास बनाई है। सेल्स के जो मार्केट वो स्मोक वाले टेस्ट केस होंगे, उन एट द रेट टेस्ट के ऊपर क्या लिखा होगा, ग्रुप्स बराबर क्या लिखा होगा, स्मोक लिखा होगा। जो रिग्रेशन के होंगे उन पे क्या लिखा होगा, रिग्रेशन। जो दोनों के होंगे उस पे क्या लिखा होगा, दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अच्छा चलो, वैसे भी हम चलो आप देखने वाले हैं इस चीज को, एक काम करते हैं, न्यू करो और एक क्लास बना लो, ठीक है। क्लास मान लो बना लेते हैं, मान लो इसका नाम क्या रख दिया, बेस, और एक क्लास और बना लिया जिसका नाम रख लिया क्या, अच्छा छोटा दिख रहा होगा ना, नहीं सब चलेगा यार। अच्छा चलो देखते हैं, पब्लिक वाइड मान लो एक मेथड दे दिया क्या, टेस्ट वन और एक टेस्ट टू, ठीक। इसके ऊपर भी दे दिया एट द रेट, हाँ इसका नाम रख देते हैं टेस्ट। अब देखो इंपोर्ट कर दिए, चलो ये इंपोर्ट कर दिए, ठीक। आया चलो, ये प्रिंट हो जाएगा ना, और बेस टेस्ट है ये, इसको बेस के अंदर क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर दें, एरर आएगी कोई बात नहीं, ऊपर जाओगे यहीं से ऑप्शन आता है क्या करने का, रीनेम करने का। चलो अब इसमें से फालतू चीजें क्या कर देते हैं, जैसे लॉन्च वांच करने की जरूरत नहीं है, अब देख लो भाई, मान लो यहां पे ये क्या है, क्लास क्या लिख देते हैं, लॉन्च ग्राफ, और ये हो गया आपका क्या,
इसको बोल देते हैं बिफोर टेस्ट केस, और इसको लिख देते हैं क्या मान लॉग इन आफ्टर मेथड में, हाँ दूसरा प्रोजेक्ट है भाई ये, चलो चलो अच्छे इसको सही उसमें ही डाल देंगे, बिफोर के बाद इसे क्या डाल देते हैं बस, ये हो गया आफ्टर टेस्ट है, आफ्टर सूट है, सिर्फ प्रिंट वाली लाइनें लिखी पहले। अच्छा अब यहां से रन करके देखते हैं कहां पे है भाई ये, यही तो है इसमें एक्सएमएल नहीं है। अच्छा चलो पहले अच्छा ग्रुप कमेंटेड है, अब यहां पे कहां से रन करें पहले ये बताओ। अब अच्छे देखो पहले चेक काम करते हैं कहां कौन सा टेस्ट केस रन करना है हमें, बेस ठीक है, और यहां से हम चलो रन करने की क्या करते हैं, नहीं मान लो मेरा टेस्ट केस कौन सा है, टेस्ट केस नाम की क्लास है, इतना तो सबको समझ में आ रहा है, इसको इस क्लास को रन कर दें या बताओ इस मेथड को रन करें। चलो रन कर दें, अच्छा ये अभी तो हो गया, ये तो होगा ही भाई। अच्छा इसके बाद अगर वो चीजें चाहिए तो क्या करोगे भाई, अगर बिफोर मेथड आफ्टर मेथड ये सब चाहिए तो बेस को क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। अब चलो पास जीरो क्या हो गया, फेल हो गया, ध्यान से देखो स्किप थ्री हो गया। अब देखो ये सब क्यों हुआ, ध्यान से समझो, वैसे अभी देखो एक्सेप्शन पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, और वैसे भी देखो तुम चला रहे हो कहां से, यहां से, लेकिन इसके अंदर एक्सटेंड हुआ है कौन, बेस। तो जब इसका ऑब्जेक्ट टेस्ट केस का ऑब्जेक्ट बना के ही तो ये मेथड कॉल करेगा, जब इसका बनाएगा तो मेथड किसके लोड होंगे, बेस के, और टेस्ट वन से पहले कौन चलेगा, बेस वाले। अब इस यहां बहुत लोगों को चलना है, बिफोर सूट है, बिफोर टेस्ट है, और एक किसको देखो बिफोर मेथड, जो बिफोर मेथड है ये मांगता है क्या, ध्यान से देख लो भाई, बिफोर मेथड क्या मांगता है, पैरामीटर मांगता है कि नहीं मांगता, हमने बताया था ना पिछली बार कि एक्सएमएल से पैरामीटर की वैल्यू भेज सकते हो, तो बताओ वैल्यू कहां से आएगी, एक्सएमएल से, और तुम चला कहां से रहे हो, डायरेक्टली कैसे चलेगा भाई। तो ये चीज याद रखना, जब तुम ये देखो कि जब यहीं से डायरेक्ट रन करने की कोशिश करोगे और पैरामीटर होगा तो फिर चलेगा नहीं भाई, चाहिए ना इसको, इसके पहले बेस चलेगा, बेस के पहले बेस मेथड चलेगा, वो चलने से पहले पहले पूरा घुड़ा घड़ी हिसाब लगाता है कौन किसको कब चलाएंगे, किसको पहले किसको बाद में, यहाँ आगे उसका हिसाब फेल हो जाता क्योंकि टेस्ट केस से पहले वो ये सोचता है कि हम किसको किसको चलाएंगे, तो उसको ये भी समझ में आता है कि हम किसको चलाएंगे, बिफोर मेथड को भी, आप बिफोर किसको चलाएंगे, क्लास को भी चलाएंगे, बिफोर क्लास को भी पैरामीटर चाहिए, और किसको चलाएंगे हम, बिफोर मेथड को भी चलाएंगे, इसको भी दो पैरामीटर चाहिए, अब ये कहां से आएंगे, चला एक्सएमएल से ना, तो एक्सएमएल से चलाओ ना तब तो चलेगा। अब आ जाओ जरा अपनी एक्सएमएल में, अब यहां पे जैसे जो पैरामीटर दिए हैं और जो क्या दिया है
चलो इसको भी ऐसे कर देते हैं। वैसे एक काम करते हैं, इसी एकाध इसी का एकाध सबके पास तो कॉपी होगी इसकी, ये तुम्हारा है तो मांग लेना इतनी जब कॉपियां है तो रिस्क नहीं लेते हो। लो भाई ये बहुत गड़बड़ करते हो, रिस्क नहीं लेते हो। चलो अच्छा ठीक है, ये देखो ये देखो ये सब चीजें हटा देते हैं। और सर ये तुम्हारे में ही चेंज करने लगे, ये लो एक काम करते हैं यहां से ये सब फालतू चला के एक को चला के देखते हैं कि चल कैसे रहा है। और ये मेथड्स को हम क्या करते हैं फिलहाल हटा देते हैं, एक ही क्लास रखते हैं और क्लास का नाम यही है यार CRM 5 है। अच्छा हमने कोर में ही डाल दिया है, नहीं हमने गलत किया है, हम तो बस तुम्हें चला क्या करना चाह रहे हैं दिखाना चाह रहे हैं हमने बेस और बेस टेस्ट को कहाँ रख दिया है, कोर के अंदर। वैसे कहो तो यहाँ रख देते हैं भाई, हाँ इन दोनों क्या करें कंट्रोल एक्स करें और कहा रख लें SRC टेस्ट जावा के इसके अंदर क्यों कोड डाले यार हमसे। चलो जो भी किए हो वैसे चलो यही रहने देते हैं, चलो ठीक है सब छोड़ो, पहले तुम्हें देखना है कि आखिर चल कैसे रहा। अब यहां पे देखो क्या नाम है डॉट कोर डॉट कोर डॉट टेस्ट केस, बस यही रन करना है ना यार। अब देखो तुमको ब्रेक पॉइंट लगाना है, चला के देखना है और ये थ्रेड काउंट क्या है 5 है। चलो ये भी और ये ग्रुप ग्रुप यहां से क्या करते हैं, चलो फिलहाल के लिए यहां से सब हटा देते हैं, बड़ा सिंपल सा कर देते हैं। अब अगर यहां से इसको रन करके देखो, सॉरी XML से, अब जरा करो रन एज टेस्ट इंजन, क्या करो नहीं समझ सकते वो, चलो अभी आगे बताएंगे। ये देखो दो रन हुए और दोनों क्या हो गए पास हो गए। और जरा यहां आके देखते हैं चला कैसे, कौन कौन चला और कौन कौन नहीं चला अपने आप। तो पैरामीटर वाला समझ में आया ना, अगर पैरामीटर होंगे चाहे @ टेस्ट में हो चाहे मतलब जो भी चलेगा और उसके पास पैरामीटर है और तब तो तुम्हारी मजबूरी है कि उसे कहां से चलाओ XML। अब अच्छे यहां आते हैं देखो सबसे पहले क्या हुआ है, टेस्ट केस चला, एक टेस्ट केस चला और इस टेस्ट केस में सबसे पहले भाई कौन चलेगा बेस बेस और सबसे पहले चलेगा कौन सा बिफोर सूट, देखो आया ना एक्सटेंड रिपोर्ट इनिशियलाइजेशन, फिर इसके बाद चला कौन बिफोर टेस्ट कनेक्ट टू द डेटा बेस, देखो कनेक्ट टू द डेटा बेस। इसके बाद जब कोड आगे बढ़ा बिफोर क्लास के बाद सॉरी बिफोर टेस्ट के बाद तब चला कौन बिफोर क्लास, और बिफोर क्लास में क्या है लॉन्च ब्राउजर, फिर चला कौन बिफोर मेथड उसमें आया बिफोर टेस्ट केस लॉगिन, फिर चला तुम्हारा अब इसके बाद चला टेस्ट वन और ये चला टेस्ट वन प्रिंट किया। अब इसकी जिम्मेदारी है आगे चलाना किसको, पहले आफ्टर मेथड को, देखो आफ्टर टेस्ट केस आया, फिर किसका आफ्टर क्लास को, तो देखो आफ्टर टेस्ट केस लॉग आउट हो गया बिफोर टेस्ट केस लॉग इन हो गया, मतलब आफ्टर क्लास नहीं चला। अरे सॉरी हाँ यार हाँ
और फिर इसके बाद टेस्ट टू हो गया, वो भी ऐसे ही चला तुम्हारा, क्या लॉग इन लॉग आउट, और फिर यहां लास्ट में सॉरी चला कौन सा आफ्टर, और इसके बाद चला कौन आफ्टर टेस्ट, और आफ्टर सूट नहीं चला क्यों भाई? अच्छा वो नीचे आ जाता है एक्सटेंड रिपोर्ट फाइनलाइजेशन, तो सही चला ना, और कौन नहीं चला अगर ये देखोगे तो तुम्हारे पास एक था जिसका नाम था क्या बिफोर ग्रुप, वैसे अच्छा यहां कुछ लिखा भी नहीं है, तो यहां से देते हैं क्या, यहां देखो चला हमने क्या, देखो वहां पे जो भी था हमने बिफोर ग्रुप में डाला है, ठीक है हाय, ये वहां आया नहीं आया, लेकिन अगर मान लो किसी टेस्ट केस के ऊपर, किसी टेस्ट केस का अगर नाम क्या हो एट दी सॉरी हाँ क्या ग्रुप्स, अच्छा हो यहाँ ऐसे लिख के डबल कोट्स के अंदर अगर मान लो लिखा हो क्या इसमें, और testng.xml में भी हमने कंसेप्ट दे रखा हो किसका ग्रुप्स, क्या है ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर होता है फिर क्या रन, और रन के अंदर होता है फिर क्या इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर तुम्हें देना होगा क्या नेम, और नेम दे देते हैं क्या। अब देखो पहली बात तो स्मोक ग्रुप सिर्फ इसी टेस्ट वन के ऊपर है, टेस्ट टू के ऊपर नहीं है, अगर अभी चलाओगे तो टेस्ट वन चलेगा टेस्ट टू नहीं चलेगा, तो टेस्ट टू के पहले जो बिफोर मेथड चल रहा है, जो उसके बाद आफ्टर मेथड है, कुछ भी जब टेस्ट, देखो बिफोर मेथड आफ्टर मेथड हमेशा टेस्ट केस के लिए चलने वाले हैं, अगर टेस्ट केस ये डिसाइड हो गया कि टेस्ट केस ही नहीं चलेगा तो उनके लिए फिर वो भी नहीं चलेगा। अब रन करके देखो, देखो यहां क्या चला हमारा टेस्ट वन चला, जिसके लिए क्या चला हाँ बिफोर ग्रुप चला, और क्या चला टेस्ट वन चला, लेकिन यार हाँ ग्रुप्स तो हम मान लो स्मोक दिए हुए हैं ना, मतलब सिर्फ क्या चल रहा है बिफोर ग्रुप चल रहा है, और सीधे क्या चल रहा है टेस्ट केस चल रहा है, और कुछ भी चल नहीं, ठीक है अच्छा हाँ, तो तुम्हारा बिफोर मेथड ब्राउजर ही नहीं लॉन्च हो रहा होगा, बिफोर मेथ हाँ हाँ, अगर यहां तुम मेंशन कर दोगे जैसे बिफोर क्लास या बिफोर मेथड के अंदर, तब फिर वो ग्रुप के पहले क्या होगा चलेगा। अच्छा अब अच्छा इसको चलने को लेकर एक आइडिया हो गया, पैरामीटर्स का आइडिया हो गया, और फ्लो पता है, याद रखना जो टेस्ट टैग है टेस्ट एनोटेशन है वो टेस्ट टैग से रिलेटेड है, ठीक है।
अच्छा टेस्ट एनजी अब जब यूज करोगे तो कोई चीज तुम्हारी क्या होगी, पास होगी या क्या होगी, फेल होगी। उसके लिए तो एक चीज जानते हो, एक्सेप्शन आएगी तब क्या चीज हो जाएगी, फेल। और ध्यान से देखो इसके, मान लो अगर हम यहां, याद है ना हम लोग, हम जब ऊपर पढ़ा रहे थे तुमको दिखाया था इफ एल्स करके, इफ एल्स करके जो भी पास फेल हो रहा था वो उम्र की रिपोर्ट में नहीं जा रहा था। तब हमने तुमको एक क्लास बनाई बताई थी जिसका नाम क्या था, एसआर। लेकिन याद रखना वो जो क्लास थी वो जे यूनिट की थी। किसकी थी? जे यूनिट की थी। अगर अब देखो दो ही केस फेल होता था, या तो एक्सेप्शन या तो जब एसर्ट वाली लाइन क्या हो, जा फेल हो। एसर्ट वाले में क्या करते थे, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल भेजते थे, वो मैच करके पास या फेल क्या करता था, रिपोर्ट करता, यही होता था ना। तो अगर टेस्ट एनजी के थ्रू चला रहे हो और तुम चाह, यहां पे भी फेल हो, एक टेस्ट केस के फेल होने की दो ही कंडीशन होगी। कंडीशन नंबर एक, या तो एक्सेप्शन आ जाए, या तो दूसरा क्या, एसर्शन फेल हो जाए। एसर्शन कैसे फेल होगा, ये क्या है, एसर्ट, एसर्ट क्लास यूज करनी। लेकिन ध्यान देना इस एसर्ट क्लास को, ये एसर्ट क्या होना चाहिए, org.testng, ये गलती मत करना। नहीं कई बार गलती में जब तुम जल्दी जल्दी में टाइप करोगे तो इंपोर्ट कर लोगे किसका, जे यूनिट वाला, और चलाओगे और तुम ये उम्मीद करोगे कि चलाने के बाद भी क्या हो रहा है, एक फेल हो रहा है या फेल हो रहा है, लेकिन वहां एक्सेप्शन नहीं आ रही, क्योंकि वो एक्सेप्शन, वो लाइन किसकी है, जे यूनिट। इस वजह से यहाँ ओआरजी डॉट क्या करना, एसटेंजी। अब डॉट करोगे, यहाँ एक बड़ा फेमस मेथड है, एसर्ट इक्वल्स, दो आर्गुमेंट भेजने होते हैं, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। मेथड ओवरलोडेड है, मतलब एसर्ट इक्वल्स नाम से कम 200 मेथड हर अलग अलग टाइप के आर्गुमेंट के लिए। चाहो तो तुम बूलियन भेजोगे, भाई देखो आम लोगों ने क्या किया है, एसर्ट इक्वल, देखो मेथड ओवरलोडिंग का ये बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। ये कंसेप्ट क्या है, एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, मेथड ओवरलोडिंग ही तो है। एसर्ट नाम की एक क्लास है, वहां एसर्ट इक्वल्स नाम के कई क्या है, मेथड है। कितने है जानते हो, देखो गिनोगे, अरे 200 से ज्यादा है, कम से कम 25 मेथड है यहां। कहां से आ रहा है, क्योंकि एसर्ट क्लास के अंदर एसर्ट इक्वल्स नाम के 25 मेथड बने हैं। एक ही नाम के कितने मेथड है, 25, लेकिन हर मेथड के आर्गुमेंट सिग्नेचर में कुछ ना कुछ क्या है, फर्क है। जैसे ये बुलियन को लेके है, ये देखो ये बुलियन डेटा टाइप को लेके है, तो ये बुलियन क्लास को लेके है ना, ये बाइट को लेके है, स्ट्रिंग इंट फ्लोट सबके लिए मिलेगा, सबके हिसाब से। भाई किसी को जब मैच करना होगा तो कुछ भी मैच करना पड़ सकता है ना, कोई दशमलव मैच कर रहा है, कोई नाम मैच कर रहा है, कोई नंबर मैच कर रहा है, यहां तक कि ये भी ऑप्शन देता है कि तुम एसर्शन में, एसर्ट इक्वल्स में दो एरे भेज दो। देखो मांग नहीं रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया ना, कह रहा है कि भाई बुलियन टाइप का हमें क्या दे दो, दो एरे दे दो जिसमें 200-300 वैल्यू हो, हम एग्जैक्ट मैच करके बता देंगे मैच कर रही है या नहीं। देख रहे हो, ये सारे मेथड हैं। तो अगर इसके किसी मेथड का यूज करोगे, मान लो हमें दो नाम मैच करने हैं, मान लो मेरा एक्चुअल है क्या XYZ, और ये क्या है ABC, मान लो इसको हम, अब जरा चला के दे, चलेगा कंसोल पे ही पहले तुमको दिख जाता है ना, और कंसोल पे दिख जाता है, बता रहा है। वैसे नीचे देखो, दो चले हैं, एक क्या हुआ है, फेल हुआ।
स्किप जीरो है तो मतलब पास कितना है, एक। और या फिर यहाँ ये देखो, ये आइकन मत भूलना, ये टेस्ट एनजी का प्लगइन डालते हो ये आइकन आ जाता है, इस पे क्लिक करो, यहाँ से साफ साफ दिखेगा कि टेस्ट वन चल रहा है या क्या चल रहा है, टेस्ट टू। अब बता भी रहा है टेस्ट वन में फेल हो गया, एसर्शन एरर है, एक्सपेक्टेड एबीसी है और एक्चुअल क्या है, एक्स वाई जेड है। जो पहली वैल्यू हम भेजते हैं उसको ये एक्चुअल मानता है और बाद वाली को क्या मानता है, दूसरे को, और इन दोनों को मैच करके ये देखो यहाँ बता रहा है, प्लस इसकी डिटेल तुमको वहां एक टेस्ट डैश आउटपुट बनती है ना, और यहाँ पे अंदर ईमेलेबल रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल, इसे खोलोगे, किसी एच टी एम एल है किसी भी ब्राउजर पे खुलेगा, देखो यहाँ जो पास हो रहा है उसकी कोई डिटेल नहीं, जो फेल हो रहा है उसकी फुल डिटेल आ रही, भाई किस लाइन पे फेल हुआ है सब लिखा होगा। जरा ध्यान से देखोगे तुम्हें अपना, ये देखो बता रहा है ना, टेस्ट वन की जो टेस्ट केस क्लास है उसका एक जो टेस्ट वन है मेथड, उसके अंदर दसवीं लाइन दिखेगी, दस नंबर जो लाइन है उस फाइल की, वहां एक दिक्कत है। क्लियर है ये, और यहां से भी दिखता है, यहां थोड़ा ऐसा दिखेगा, ठीक है। इस तरह से दो तुम्हें दोनों में वही बात मेंशन होगी, वही डिटेल मेंशन होगी। तो ये बात समझ में आई है। अब याद रखना, वैसे अच्छा यहां देखो ये कौन सा है, यही अपडेटेड है ना, ये देखो मेरे पास यूटिल्स नाम की क्या है, क्लास है। क्या यहां कुछ मेथड हमारे पास ऐसे भी हैं, एक मेथड हमारे पास है वेरीफाई स्ट्रिंग, जहां दो वैल्यू भेजते हैं ये बताता है मैच हो रहा है पास है या क्या है फेल। अच्छा वेरीफाई नाम से हमने शायद कितने मेथड बनाए थे, वेरीफाई क्या है इंट है और वेरीफाई क्या है स्ट्रिंग है। तो ये इफ एल्स करके क्या करता था, ये कंसोल पे प्रिंट करता है एस टी, उसमें ध्यान से समझना, ये कंसोल में प्रिंट करता है लेकिन वहां प्रिंट नहीं करता, कहां रिपोर्ट में, जो टेस्ट एनजी की रिपोर्ट आती है जो एस टी एम एल आती है वहां इसकी कोई डिटेल नहीं रहती, रहती है। तो अगर अब इसी वजह से ये वाला जो मेरा, ये देखो ये हम मेथड क्यों बनाए हैं, जहां हमको एक्चुअल और एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग को क्या करना होगा, मैच कराना होगा, उसके लिए हम बनाए। अच्छा इसको देखो यार कहीं कॉल किया गया होगा, राइट क्लिक करें। अच्छा ये कैसे जानोगे, मान लो ये मेथड देखा तुमने, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है यहां पूरी क्लासेस है, ये कहां कॉल किया गया, कहां कॉल किया है देख के अंदाजा लगेगा कि इसका यूज कहां हो रहा है और कितना हो रहा है कि इसका यूज नहीं हो रहा है। ये पूरा मेथड है तुम्हारे प्रोजेक्ट में, पचासों क्लासेस हैं, जाने कितने मेथड हैं, ये कहीं कॉल हुआ है या नहीं। अगर ये कभी भी जानना हो किसी मेथड के बारे में तो हमेशा उस मेथड पे राइट क्लिक करना, एक ऑप्शन आएगा रेफरेंसेस, ये बड़ा काम की चीज है। हम जब कोई मेथड देखते हैं हमें देखना होता है कि इसका यूज कहां और कैसे हो रहा है, या एकदम नहीं हो रहा है फालतू है, तो यहां देखो रेफरेंसेस के बाद चाहो तो वर्कस्पेस कर दो या चाहो तो क्या कर दो प्रोजेक्ट। तो पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां जो जो क्लास इसको यूज कर रही होगी उसका उसका नाम आएगा, और फिलहाल इसको यहां कोई यूज नहीं कर रहा, ये मेथड पूरे प्रोजेक्ट में कहीं कॉल नहीं किया गया। किसी मेथड का देख लो, जैसे मान लो ये क्लिक मेथड है ना, इसको जरा देखो बहुत जगह कॉल हो रहा होगा ना, तो जैसे फिर जाओ कहां पे, रेफरेंसेस में, प्रोजेक्ट में जाओ, अब
बता रहा है एक क्लास में इतनी जगह कॉल हो रहा है, इस क्लास इसमें पैकेज में दो क्लासेस में कॉल हो रहा है, और ये बता रहा है चार मैचेस, मतलब कितनी जगह कॉल हो रहा है, चार जगह हो रहा है। ऐसे देखते चले जाओगे, मतलब ये टोटल यहाँ ऊपर दिखाएगा भी कि 49 डिफरेंसेस, 49 जगह कॉल किया गया है, ठीक है। और वो मेथड का ये चीज बड़ी जरूरी है, कई बार हम लोग जब फ्रेमवर्क, भाई हम जब नए प्रोजेक्ट पे जाओगे तो वहां बना हुआ फ्रेमवर्क होगा, तुम्हें पूरा कहेंगे उसको क्या करो, अब एनालाइज करो, दो तीन दिन चार दिन का टाइम देंगे, फिर इसके बाद कहेंगे तुमको इस पे क्या करना है, काम करना है, ऑटोमेट करना है। तो पहला तुम काम यही करते हो, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हो इसमें क्या क्या यूज हुआ है। एक्सटेंजी यूज हुआ है तो एक्सएमएल ढूंढने लगते हो, या वो क्लास ढूंढने लगते हो जिसके ऊपर एट द रेट टेस्ट क्या हो, एनोटेशन, फिर वहां से तुमको लगता है चल रहा होगा, यहीं से आ रहा होगा, फिर वहां कहीं एक क्या लगाते हो, ब्रेक पॉइंट लगाते हो, और ब्रेक पॉइंट लगा के फिर चलाना शुरू करते हो, फिर तुम देखना शुरू करते हो ये प्रोजेक्ट का फ्लो पूरा कैसा चल रहा है। वो फ्लो हर टेस्ट केस में रिपीट हो रहा होगा, जैसे टेस्ट केस अगर कोई भी चलेगा तो बिफोर टेस्ट आफ्टर ये सब एक ही है, दो चार टेस्ट केस डिबग करके हमें पूरा आइडिया हो जाता है, क्योंकि सारे टेस्ट केस वैसे ही होंगे, हर जगह वही क्या हो रहे होंगे, जेनरिक मेथड्स कॉल हो रहे होंगे, पेज वाइज मेथड्स कॉल हो रहे होंगे, और चीजें क्या हो रही है, रन हो रही है, ठीक है। तो यार ये वैलिडेशन वाला बताओ क्या करें, ये एक चीज समझो मिसिंग है अभी तक, कंट्रोल वो क्या है, वेरीफाई स्ट्रेंथ। अच्छा कोई टेस्ट केस ऑटोमेट हुआ है, ये है ना, ये देखो यहां देखो इन्होंने क्या किया है, देखो याद रखना पहले सब लोग, ये बात तो सबको एकदम मेरे ख्याल से एकदम याद होनी चाहिए, अपना ये सब कोड देख लो, ये जो लाइनें हैं गो टू मार्केटिंग, ये भाई देखो मेरे टेस्ट केस में जब हम ऑटोमेट करते हैं क्या होता है, दो चीजें होती, एक तो स्टेप्स जो हम कर रहे होते हैं, स्टेप्स का मतलब है कहीं क्लिक करना, कहीं वैल्यू डाल देना, कहीं क्या कर देना, माउस ओवर कर देना, लेकिन ये ऑटोमेशन नहीं है, ऑटोमेशन टेस्टिंग, तुम ऑटोमेशन नहीं कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो। तो जो तुम्हारे टेस्ट केस होंगे वहां कुछ तुम क्या कर रहे होगे, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल से क्या कर रहे होगे, मैच कर रहे होगे ना, उसके हिसाब से चीजों को तुम क्या बता रहे होगे, पास या फेल। बोलो अगर एक टेस्ट केस तुम्हारा चले एक घंटे, इधर से उधर तक नाचता रहे, कहीं क्लिक करे, कहीं कुछ करे, क्या मतलब है उसका, टेस्टिंग की जान है जब तुम एक्सपेक्टेड और, भाई जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को मैच करते हो तभी तो टेस्टिंग होती है। और उसके लिए देखो इन्होंने कर रखा है क्या, अकाउंट नेम को जो एक्सपेक्टेड है और जो एक्चुअल है इफ एल्स में क्या कर रखा है, मैच कर रखा है कि नहीं कर रखा है। और एक एक टेस्ट केस में एक ही जगह नहीं भाई, जैसे तुम ही सोचो, याद करो यार, जब अकाउंट बनाओगे 20 वैल्यू डालोगे तो अगले पेज पे 20 वैल्यू आएंगी कि नहीं आएंगी, तो 20 वैल्यू मैच करोगे कि नहीं करोगे, तो ऐसे इफ एल्स वाली ऐसी 20 लाइनें होंगी। ध्यान से देखो कितनी लाइन का कोड है ये, 27 से लेके 32 तक कितने लाइन का कोड है, 5 लाइन का ना, मेरे पास 20 वैलिडेशन होता और उसमें भी एक्सपेक्टेड का नहीं है लाइन, एक्सपेक्टेड की वैल्यू लाइन एक और जोड़ोगे तो कितनी लाइन हो जाएंगी, 6। और मेरे पास 20 वैलिडेशन हो इस टेस्ट केस के अंदर तो 20 वैल्यू वेरीफाई करनी हो तो 120 लाइनें लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो भाई। तो इसलिए ये लेकिन इसलिए इन पांच देखो अच्छे यहां कर क्या रहे हैं, जो भी बना रहे हैं इनर टेक्स्ट ऑफ सर्च एली मेंट कर, मतलब इन्होंने कोई मेथड बनाया है, जानते हो वो क्या कर रहा होगा, अंदर वेब एलिमेंट के साथ गेट टेक्स्ट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, गेट टेक्स्ट कर रहा होगा। और ये जो इन्होंने बना दिया है इनर टेक्स्ट ऑफ सर्च, और यहां क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और सर्च करने के बाद जो अकाउंट नेम आ रहा है उसका लेके आ रहे हैं, एक मिनट
हम कह रहे हैं ये जो 5-6 लाइन लिखे हो ना, ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं, इसकी यहां जरूरत नहीं है। इस कोड को सब लोग ध्यान से देखो, कई अब कई जगह और कई मेथड बनाने पड़ेंगे इसके पास, इसके इसके अंदर देखो ध्यान से। हम इसे कर रहे हैं इस कोड को कट, कट कर लिया और फिर जा रहे हैं अपने वेब ड्राइवर यूटिल, क्या है वेब यूटिल है, क्या नाम है वेब यूटिल के अंदर। जानते हो जो 5 लाइन का कोड लिखे थे ये क्या कर रहे थे, इनके पास एक एक्सपेक्टेड वैल्यू थी और गेट टेक्स्ट करके ये क्या निकाल रहे थे, एक्चुअल वैल्यू। भाई सर्च वर्च करके कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन ये मेन का काम क्या था, गेट टेक्स्ट करना और क्या निकालना, एक्चुअल वैल्यू, और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को इफ एल्स में क्या करना, मैच करना। हम कह रहे हैं हम एक मेथड यहां बना रहे हैं पब्लिक वाइड, उसका नाम रख दे रहे हैं ध्यान से देखो, वेरीफाई इनर टेक्स्ट। और ध्यान से देखो सब लोग, इस मेथड के अंदर ये 5 लाइन का लिख रहे हैं क्या कोड, अभी इसमें आ रही है एरर, कोई बात नहीं, ये जो ये सब लिखा गया है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं भाई हमको क्या करना है ये बताओ, पहले एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को क्या करना है, मैच करना, और क्या वेरीफाई करना है, इनर टेक्स्ट, क्या वेरीफाई करना है, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट कैसे निकलता है, गेट टेक्स्ट मेथड से ना, गेट टेक्स्ट मेथड कैसे चलता है, वेब एलिमेंट के साथ ना। भाई इस मेथड के अंदर एक आर्गुमेंट होगा जिसका नाम क्या होगा, वेब एलिमेंट, और नाम लिख दिया मान लो डब्ल्यू, और अब ये अंदर कोड लिखेंगे we dot get, ऐसे तुम्हारे जेनरिक मेथड बने हैं, क्लिक वाला चला है बना है तो भी क्या मांगता है, वेब एलिमेंट ना, वेरीफाई इनर टेक्स्ट भी क्या मांगेगा, वेब एलिमेंट। और यहां से निकल आएगा ध्यान से देखना स्ट्रिंग, मान लो लिखते हैं एक्चुअल टेक्स्ट, और तो यही हम डाल देते हैं या, और इसके बाद इक्वल्स इग्नोर केस, यहां पे क्या है भाई एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड कोई अच्छा एक्सपेक्टेड ऐसे यहां कुछ फिक्स लिख देंगे तो सबके लिए एक्सपेक्टेड सेम होगा क्या, नहीं ना भाई, हर स्टेप में एक्सपेक्टेड क्या होगा अलग अलग होगा। इसको दे देंगे कहां से, पैरामीटर से, कि भैया जो कॉल करेगा वो अपना बताएगा एक्सपेक्टेड टेक्स्ट, और ये हो गया। अब कहीं भी कॉल करना होगा इन्हें अब से, तो ये पूरा 5 लाइन का 6 लाइन का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये कॉल करेंगे कौन सा मेथड, वेब यूटिल डॉट वेरीफाई इनर टेक्स्ट, अपना भेजेंगे क्या वेब एलिमेंट, जो भी वेब एलिमेंट है इनके पास, और दूसरा आर्गुमेंट क्या भेज देंगे, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो इनका होगा, और ये आपके लिए वैलिडेशन कर देगा, सही है ना। ये हम इसका बनाए, बच्चे एक बताओ, और हम यहां मेथड क्यों बनाए, हम यहां मेथड इसलिए बनाए क्योंकि ये, और ये मेथड बहुत कॉल होगा, अरे जगह जगह तुमको जाके इनर टेक्स्ट क्या करना होगा, अक्सर जो तुमको यूआई पे टेक्स्ट दिखता है सब किसकी वजह से दिखता है, इनर टेक्स्ट की वजह से ही तो दिखता है, तो जगह जगह तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ये, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पहले अच्छे देखो, ये एक समझ में आया, एक मिनट जरा ओपन कर लेते हैं, मैंने मैसेज बदलेंगे ना, मैसेज यहां क्या लिखा है, देखो क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है, फास्ट न्यू अकाउंट इज क्रिएटेड, नहीं तो ऐसा नहीं लिखेंगे ना, हम लिखेंगे क्या, अगर पास हो रहा है तो लिखेंगे क्या, और लिखेंगे वे, हाँ ऐसे लिख दें एक्चुअल हाइफन प्लस, और फिर क्या एक्चुअल टेक्स्ट प्लस एंड एक्सपेक्टेड हाइफन प्लस, ऐसे, और यही लाइन उठा के यहां कर दें, और इसका नाम रख दें क्या,
ठीक है। और इन्होंने देखो प्रिंट मैसेज नाम का एक मेथड बनाया है, उसके अंदर कॉल कर दिया है किसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को डायरेक्ट कॉल करने के बजाय, जो भी है। तो ये वेरीफाई इनर टेक्स्ट समझ में आया। तो एक चीज ये देखना था ना, ये देखो ये है। जैसे मान लो तुमसे कोई ये कहे वेरीफाई करने को कि यहां जो लेबल आ रहा है लिखा हुआ, ये इस पे क्या लिखा है, यूजर नेम। कैसे निकालोगे इसको, इंस्पेक्ट करोगे तो जो लिखा हुआ यूजर नेम है वो आ रहा है कहां से, इनर टेक्स्ट से। ये कहां से आ रहा है, इनर टेक्स्ट से। और जब इनर टेक्स्ट से आ रहा है तो एक सिंपल सा एक उसका मतलब क्या है, गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट मेथड। तो यही वाला मेथड कॉल करोगे, कौन सा, वेरीफाई इनर टेक्स्ट। इसके बाद अंदर जाओ, एप्लीकेशन में दुनिया भर के टेक्स्ट आते हैं कि नहीं, अक्सर चीजों को वेरीफाई करोगे तो एक ही चीज करनी पड़ेगी क्या तुम्हें, उनका इनर टेक्स्ट वेरीफाई करना। इसलिए ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होगा, कौन सा, वेरीफाई इनर टेक्स्ट। लेकिन सर लोग इस चीज को ध्यान से एक और चीज देखना, याद है इस एप्लीकेशन में एक बटन होती है फाइंड, दिख रही है ना, मान लो इसका वेरीफाई करना कि यहां फाइंड लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। तो यहां जरा ध्यान से देखो, ये देखो यही है ना, यहां पे ये तुम्हारा मेथड काम नहीं करेगा यार, क्योंकि इस बटन का जो टेक्स्ट है फाइंड, वो देखो इसके पास इनर टेक्स्ट कहां है, इनपुट पे शुरू होता, इनपुट पे खत्म होता, बीच में टेक्स्ट होता, तब वो होता ना। इसके पास एट्रीब्यूट क्या है, वैल्यू, हमने तुमको दिखाया है। अंदर जाके देखो, और बटन है ना, सेव है, कैंसिल है, किसी का भी टेक्स्ट इनर टेक्स्ट से नहीं आ रहा है, कहां से आ रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट। मेरा कहने का मतलब यह है कि कई बार ऐसा भी होगा जब तुम्हें एट्रीब्यूट्स के थ्रू किसी वैल्यू को क्या करना होगा, एट्रीब्यूट की वैल्यू को मैच करना होगा। जैसे तुम्हें ये मैच करना होगा कि फलाने एलिमेंट का क्लास की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो वहां इनर टेक्स्ट या उसका वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो इसीलिए एक मेथड यहां और बनेगा, इसका नाम रख देंगे वेरीफाई, ऐसे लिख दे वेरीफाई एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट वैल्यू। आर्गुमेंट में मांगेंगे क्या, फिर से वेब एलिमेंट, भाई एक्सपेक्ट, भाई जब भी कुछ वेरीफाई करोगे तो एक्सपेक्टेड तो तुम्हें बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अब साथ में तुम्हें यहां पे अब कौन सा मेथड यूज करना होगा, वैसे शायद तुम लोग बनाए भी हो, देखते हैं, हम लोग बनाए होंगे यहाँ पे मेथड एक बनाए होंगे, कौन सा, गेट एट्रीब्यूट, कितने आर्गुमेंट मांगता है, दो। ध्यान से देखो, गेट एट्रीब्यूट वैल्यू एक मेथड बनाया है हमने, आर्गुमेंट क्या मांगता है, यहां से देखा करो, दो आर्गुमेंट, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट का नाम। भाई गेट एट्रीब्यूट करते हो तो क्या निकालते मांगता है, दो चीज तो मांगता है, एट्रीब्यूट का नाम मांगता है कि नहीं। यार तुम सीधे ऐसे भी यूज कर सकते हो, वैसे डब्ल्यू ई डॉट वेब एलिमेंट का मेथड है ना, गेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट का नाम दे दो, एट्रीब्यूट का नाम दे दो, जैसे जो एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम। अब देखो, अगर हम यहां लिख देंगे क्लास, तो ये मेथड हमेशा किसके लिए काम करेगा, क्लास के लिए। इसीलिए एक पैरामीटर और ले लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं स्ट्रिंग एट्रीब्यूट। अब जो बंदा इसे कॉल करेगा वो यहां से भेजेगा, यहां पे हम ले लेते हैं स्ट्रिंग एक्चुअल एट्रीब्यूट, और फिर एक्चुअल को मैच कर लेते हैं किससे, अब इसका भी नाम थोड़ा बदल के अच्छा सा रख लेते हैं, क्या है, एक्सपेक्टेड हाँ,
हाँ नहीं रहेगा भाई, ये रहेगा यहाँ, एक मिनट। हाँ वो गलत लिख दिया, और ये हो गया तुम्हारा क्या एक्चुअल, और यहाँ पे एक मेथड और बन गया ना। अब बस अगर तुमको एक वेरीफाई करना होगा कि उस फाइंड बटन पे फाइंड लिखा हुआ है कि नहीं, तो यही मेथड कॉल करोगे। पहला आर्गुमेंट क्या दोगे उसका वेब एलिमेंट, दूसरा आर्गुमेंट क्या दोगे एट्रीब्यूट नेम मतलब वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट दोगे, और तीसरा दोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड। अगर वो निकालेगा एक्चुअल वो भी फाइंड होगा तो पास होगा, अदरवाइज क्या होगा फेल होगा। अब बताओ ऐसे कितने मेथड बनेंगे, बहुत बनेंगे। चलो एक काम करते हैं, लिख देते हैं भाई कम से कम 200 मेथड बनेंगे। हम बता रहे हैं जैसे एक बनेगा मान लो वेरीफाई टाइटल, भाई कई जगह यूज करने की, जो चीज भाई जेनरिक मेथड का मतलब क्या है, जो चीज बार बार यूज करना है उसको मेथड में डाल दो, एक ही लाइन में सीधे क्या करो, वेरीफाई टाइटल, वेरीफाई यूआरएल, कहीं कहीं चेक करना होगा कि जाओ देखो वो बटन इनेबल है कि नहीं। तो एक मेथड बनाएंगे वेरीफाई इनेबल्ड, एक मेथड बताएंगे बनाएंगे वेरीफाई डिसेबल्ड, फिर एक बनाएंगे इनेबल्ड बना दिया डिसेबल्ड, दो वो हो गए, कितने हो गए चार और बने। हाँ वेरीफाई, हाँ इज डिस्प्लेड या फिर वेरीफाई, हाँ भाई हाँ ये भी लग सकते हैं, एलिमेंट विजिबल इनविजिबल एक बना दिया अगर तुमको जरूरत पड़ती है बार बार उसकी तो है। और बताओ ब्रोकन लिंक तो अलग चीज, अच्छा हाँ ये भी हो सकता है वेरीफाई ड्रॉप डाउन, वेरीफाई ड्रॉप डाउन वैल्यू, सब मेथड में क्या होगा वेब एलिमेंट का आर्गुमेंट होगा, एट्रीब्यूट वाले में ही एक एक्स्ट्रा होगा, अदरवाइज क्या सब क्या मांगेंगे, बस एक्सपेक्टेड वैल्यू। अंदर तुम कोड से क्या निकाल लोगे एक्चुअल, इफ एल्स से क्या कर दोगे मैच कर दो, ये मेथड बन जाएंगे सेम इसी पैटर्न पे बनेंगे। इसमें एक लाइन वेब ड्राइवर की यूज होगी जो एक्चुअल लेके आती होगी, एक्सपेक्टेड तुम भेजते हो, बाकी इफ एल्स में दोनों को क्या करना है इसमें मैच कर। ना ना इस ये जो मेथड्स बनाए हो वेरीफाई इनर टेक्स्ट वेरीफाई एट्रीब्यूट वैल्यू, जो ये वेरिफिकेशन वाले मेथड्स बना रहे हो सबको सीधे टेस्ट केस में कॉल करो, पेज वाइज मेथड में कॉल मत करना। इन्हें सीधे कहाँ कॉल करोगे, देखो पेज वाइज मेथड में जब तुम कॉल करोगे तो पेज वाइज मेथड कई जगह इस्तेमाल होते हैं ना, तो बार बार वो वैलिडेशन वाले मेथड चलेंगे जिनकी कोई बार बार करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इनको कहाँ कॉल करो टेस्ट केस। नहीं एट द रेट फाइंड बाई, अच्छा चलो इनका भी सवाल सही है, एक मिनट चलो आते हैं कहां पे हैं हम लोग। यहां पे इनका कहने का मतलब है कि सर जब वेरीफाई इनर टेक्स्ट यहां कॉल करेंगे तो वेब एलिमेंट हमको भेजना पड़ेगा, हमें क्या भेजना पड़ेगा वेब एलिमेंट, हम वेब एलिमेंट कहां से पाएंगे, मान लो हमें इसी मार्केटिंग अकाउंट के लैंडिंग पेज का करना है तो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट तो आ रहा है ना भाई, याद करो इसके जितने मार्केटिंग अकाउंट लैंडिंग पेज है इसके अंदर इसकी क्या है ओआर है जो कि क्या है एक्सटेंडेड है, इसके अंदर इसके वेब एलिमेंट है भले प्राइवेट है लेकिन लॉम्बॉक के थ्रू गेटर की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो देखो हम बड़े आसानी से कॉल करेंगे यहाँ यार बिना किसी दिक्कत के, हम यहां सीधे कॉल करेंगे एक, मान लो मैक क्या है एल्स, देखो लैंडिंग पेज डॉट अपडेट करके जैसे डालेंगे सारे आते रहे एलिमेंट, मान लो हमें किसी एलिमेंट का ईमेल का या किसी का भी मान लो हमें वेरीफाई करना होगा तो ये क्या हो गया वेब एलिमेंट हो गया, और यहाँ दे देंगे मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब वो मैच करके बता देगा दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। याद करो लॉम्बॉक यूज कर रहे हैं ना इनकैप्सुलेशन के लिए,
सारे मेरे जितने एलिमेंट्स हैं सब प्राइवेट है, लेकिन बाहर हम सबको यूज कर लेते हैं कैसे, गेटर मेथड के सहारे। ये एग्जांपल किसका है, इनकैप्सुलेशन, यही तो है कि वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाना और बाहर गेटर के सहारे यूज करना। और अच्छा भूलो मत, ये कहाँ गया, ये देखो यहाँ गेटर है लिखा है ना, एट दी रेट गेटर, मतलब इसका क्या जानते हो, ये इसके जो वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ गेट करेंगे, इसमें सेट नहीं कर सकते। अगर सेट भी करना है तो गेटर भी लिखोगे और एट दी रेट क्या लिखोगे, सेटर भी लिखोगे। अब इसके जो वेरिएबल्स हैं प्राइवेट उनके पास गेटर भी फंक्शनलिटी है और कौन सी है, सेटर भी है। अगर तुम नहीं चाहते बाहर वाले सेट करें सिर्फ यूज, जैसे ये है वेब एलिमेंट, बाहर वाले सेट करके क्या यूज करें, अगर हमें ऐसा लगता है तो सेटर बनाएंगे, सेटर नहीं बनाएंगे। क्लियर है ये? तो भाई देख लो, ये बात समझ में आई, ये वेरिएबल, अब ये मेथड्स बना दोगे छह सात और तुम लोग। अब लेकिन देखो, अब एक छोटी सी दिक्कत ये आएगी, जब ये चलेगा इसकी रिपोर्ट कहां जाएगी, कंसोल। कंसोल का तो कोई मतलब बनता नहीं, कोई रिकॉर्ड रहता नहीं, ज्यादा छप जाए तो पुराना हट जाता है नया आ जाता है, भाई इसकी तो लिमिट है। अब ये दिक्कत वाली बात है, इसी वजह से हम कंसोल वाली लाइनें नहीं लिखेंगे। चलो अगली लाइन, अगले स्टेप में, अगली क्लास में हम देखेंगे क्या, इसीलिए पहले एक्सटेंट रिपोर्ट, ये जो पास फेल के लिए प्रिंट मैसेज कॉल किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन करते हो ना, हम एक बताएंगे कल एक एक्सटेंड रिपोर्ट करके एक वो है एपीआई, एक जार है उसकी, उसका यूज करना आने दो, उसका ठीक है। फिर क्या है, एक्सटेंड रिपोर्ट, और जब एक्सटेंड रिपोर्ट, यहां से एक्सटेंड रिपोर्ट में क्या प्रिंट होगा, पास, और यहां से क्या होगा फेल, दो कंडीशन होंगी, यहां से पास और यहां से हम पास प्रिंट कराएंगे और यहां से फेल, और ये जाएगा एक्सटेंड रिपोर्ट वाली फाइल के अंदर। कल अगली क्लास में दिखेगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी कोई डिटेल टेस्ट एनजी में नहीं जाएगी। मान लो ये वैलिडेशन फेल हो गया, एल्स में गया, फेल कर रहा है, कंसोल पे फेल दे रहा है, एक्सटेंड रिपोर्ट में क्या दे रहा है, फेल दे रहा है, नहीं फेल दे रहा है। लेकिन अगर टेस्ट एनजी की रिपोर्ट में दिखोगे तो सब क्या दिखाई देगा, हरा हरा, सब क्या है, पास है। क्योंकि टेस्ट एनजी जब तक तुम दूसरे तरीकों से मैच करके पास फेल बोलोगे, टेस्ट एनजी उसको नहीं जानता। टेस्ट एनजी कहता है भैया, जैसे कुकुम्बर नहीं था, कहता था एसर्ट करके लिखो तब मानेंगे, ऐसे ही अब तुमको यहां, या तो बहुत से लोग इसीलिए ऐसा करते हैं, बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरी रिपोर्ट टेस्ट एनजी में भी जाए, मेरी रिपोर्ट कंसोल पे भी जाए, सॉरी कंसोल नहीं है, हाँ कंसोल पे जाए या एक्सटेंड रिपोर्ट में भी जाए। तो इसके लिए ये तो इतना रहने दिया कोड, अंतिम में ये भी जोड़ दिया क्या, एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, और यहां पे भी क्या निकाला है, यही एक्चुअल है और यही क्या है एक्सपेक्टेड। अब क्या होगा, इसकी वजह से टेस्ट एनजी में चला जाएगा और इसकी वजह से कहां चला जाएगा, कंसोल पे, अगर हम चाहेंगे तो किस में, एक्सटेंड रिपोर्ट, उसकी भी एचटीएमएल फाइल बनेगी, जैसे इनकी है ना ईमेलेबल रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल, वैसे उसकी है एक्सटेंड रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल, उसकी भी बनेगी। क्या करो, ना ना ना, उसकी जार अलग रहेगी, दिखाएंगे कल एक जार अलग से तुमको क्या करनी पड़ेगी, एक डिपेंडेंसी तुमको और एड करनी पड़ेगी और उसकी लाइनें कुछ लिखनी पड़ेगी, वो तो देखेंगे। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं, तो एक काम करो तुम लोग, ये करना एसर डॉट एसर इक्वल्स को, भाई देखो अच्छा बताओ, कहीं वैलिडेशन होगा तो तुम क्या कॉल करोगे, ये अपना जेनरिक मेथड कॉल करोगे ना, कौन सा, जैसे वेरीफाई इनर टेक्स्ट, वेरीफाई इनेबल्ड, वेरीफाई डिसेबल्ड, वेरीफाई ड्रॉप डाउन वैल्यू, वेरीफाई टाइटल, वेरीफाई यूआरएल, ऐसे करके तुम बीसो क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे, बीसो क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे। इन्हीं मेथड्स को हमेशा टेस्ट, जहां वेरीफाई करना होगा इनको क्या करोगे, कॉल करोगे, और इनके अंदर एसर्ट वाली लाइन लिखी हुई, तो यहां से जो पास फेल होगा वो कहां चला जाएगा, बोलो
वो टेस्ट एनजी वाली रिपोर्ट में, अगर देखो याद रखना पास होगा तो कोई डिटेल नहीं जाएगी, कुकुम्बर की तरह है, फेल के बारे में डिटेल देता है, पास के बारे में डिटेल नहीं देता। याद रहेगा आप सबको ये, स्क्रीनशॉट तो देखते हैं, वो तो उसके एक्सटेंड के थ्रू देखो। कल पहले ये देखो, ये है ना, मान लो हमने वेरीफाई इनर टेक्स्ट कहीं कॉल कर दिया यहाँ, इसके बाद मान लो ऐसे ही ध्यान से देखना, हमने 5-6 वैलिडेशन कॉल कर रखे हैं, फिर हमने 2-3 लाइनें और कॉल कर रखी हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। अब मान लो इस कोड को हम चला दें, इस कोड को क्या करें, हम चला दें मतलब किसको, इस कोड को या testng.xml को क्या कर दें, चला दें, चलाएंगे तो इस टेस्ट केस का भी नंबर आएगा ना। मान लो वो चलाता हुआ यहां तक पहुंचा, पहुंच गया, अब अगली लाइन पे गया, अगली लाइन पे उसे करना था क्या, वेरीफाई इनर टेक्स्ट, वो अंदर जाएगा, अंदर गया इफ एल्स से मैच किया, जो कंसोल पे डालना था डाला, लेकिन टेस्टेंजी को अभी कुछ पता नहीं चला। जब ये लाइन चली एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, अब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को क्या करेगा, ये मैच करेगा। अब मान लो यहां मैच करने पे पास हो गया तब तो ठीक है, मान लो ये लाइन क्या हो गई, फेल हो गई। याद करो कुकुम्बर के टाइम पे दो चीजों का नाम दिया था हमने, एक एक्सेप्शन और दूसरा एरर, दो चीजें होती है ना, एक एक्सेप्शन और दूसरा एरर। तो जब इसर्ट इस इक्वल्स में मैच नहीं करता है तब एक्सेप्शन नहीं आती, एरर आती है जैसे वहां था, और एरर को ट्राई कैच एक्सेप्शन से मैनेज नहीं कर सकते, उसके लिए बताया था ना, ट्राई कैच थ्रोएबल बताया था और ट्राई कैच एरर, नहीं याद है, चाहे कुछ लोगों को याद है कुछ लोगों को नहीं, चलो अच्छे देखो बताते हैं पहले। अच्छा इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, जितना अभी दिख रहा है ये क्या है, एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, यहां दो बातें होंगी, या तो मैच कर जाएगा या तो मैच नहीं करेगा। अगर मैच कर गया, मान लो पहले ये देखो, पहले अगर ये मैच कर गया तब तो पास होगा, ये वेरीफाई इनर टेक्स्ट वाली लाइन चल जाएगी, ये कूद के कहां जाएगा, अगली लाइन पे, किस पे चलाया जाएगा, इसके। मान लो अगली लाइन पे भी हम कोई दूसरी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर कहां जाएगा, किसी दूसरे एलिमेंट को कर रहे हो तो फिर किसको चलाएगा, वेरीफाई इनर टेक्स्ट को। अब आया मान लो इसके लिए ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं किया, तो याद रखना पहले तो यहां एक्सेप्शन नहीं आएगी, क्या आएगी, एरर आएगी, और यही ये टेस्ट केस कहां पहुंचा था, ध्यान से देखो, यहां तक चल चुका था लाइन नंबर 27 तक, 28 को चला रहा था, अंदर रिजल्ट की लाइन आई जिसमें क्या आ गई, एरर, क्योंकि एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच नहीं किए। तो जानते हो क्या करेगा, इस टेस्ट केस को यहीं बंद कर देगा, इसके आगे की लाइनें चलाएगा नहीं। इसीलिए जो एसर्ट हम इस्तेमाल किए हैं यहां पे, डायरेक्ट यहां बाहर इस्तेमाल करने के बजाय कहां यूज कर दिया है, वेरीफाई इनर टेक्स्ट के अंदर, इस एसर्ट को बोलते हैं हार्ड एसर्ट। आगे तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे हार्ड एसर्ट क्या है और सॉफ्ट एसर्ट क्या, तो हार्ड वर्ड कहीं नहीं मिलेगा, यही जो एसर्ट है नॉर्मल हम जो यूज करते हैं यही क्या होता है, हार्ड एसर्ट होता है। मतलब जिस टेस्ट केस अगर चल रहा है, उस टेस्ट केस के चलने के दौरान कोई भी एसर्शन रास्ते में पड़ा और अगर वो फेल हो गया तो उस टेस्ट केस को वही क्या करेगा, तुरंत बंद कर देगा और अगले टेस्ट केस पे जंप कर जाएगा और रिपोर्ट में फेल हो जाएगा, और फेल में वहां डिटेल आएगी कि भैया ये क्या हो गया, फेल हो गया, एक्सपेक्टेड फलाना था, एक्चुअल फलाना था, देखो इसी वजह से क्या हुआ है, ये फेल हुआ, और ये क्या है, हार्ड एसर्ट। ठीक है, जो एसर्ट यूज करते हो इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ड एसर्ट। जैसे ही ये फेल होता है, भले उस टेस्ट केस में आगे 20 लाइन बची है या 20 एसर्शन बचे हैं, इसको मतलब नहीं है, अब ये कहेगा भैया बंद करो इनको, इनका काम खत्म, चलो चलते हैं कहां, अगले टेस्ट केस में, और डिटेल ईमेलेबल रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल में आ जाएगी, यहां भी आ जाएगी, हर जगह डिटेल उसकी क्या होगी, आ जाएगी। क्लियर रहेगा ये बात, पूछेंगे ये इंटरव्यू में बार बार।
कि assertion जब फेल होता है तो क्या होता है, तो हमेशा कहोगे उस टेस्ट केस को वहीं स्टॉप करके अगले नेक्स्ट टेस्ट केस पे क्या कर जाता है, जंप कर जाता है और उसको चलाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। हाँ जैसे देखो, अब मान लो अगर तुमको सिर्फ टेस्ट एनजी की रिपोर्ट चाहिए तो मत दो इसको, तब क्या करो मत दो इसको। अगर तुम्हारा काम सिर्फ टेस्ट एनजी की रिपोर्ट से चल रहा है तो फिर तुम कहोगे कि भैया हम बस दो लाइन डालेंगे, एक्चुअल निकाल के एक्सपेक्टेड एक्चुअल क्या कर दें हम मैच कर। तो लेकिन अब कई अब आजकल लोगों को क्या चाहिए एक्सटेंड रिपोर्ट, क्योंकि टेस्ट एनजी के साथ दिक्कत ये है जो जो हुआ उसकी डिटेल नहीं देता, जो सिर्फ फेल होता है उसकी डिटेल देता। स्नैपशॉट लगाना टेस्ट एनजी में टेढ़ा काम है तो आजकल, और रिपोर्टिंग उतनी अच्छी नहीं है। अगर देखोगे इसकी जो है एक्सटेंड रिपोर्ट की जो रिपोर्ट देखोगे वो ज्यादा प्रेजेंटेबल है, बड़ा बढ़िया सा ग्राफ टाइप का, पाई चार्ट टाइप का बनाएगा, इतने परसेंट पास है फेल है, थोड़ा कलरफुल है, आगे शेयर करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा क्या होता है बेटर है। इसी वजह से इसको रख रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि एक्सटेंड रिपोर्ट की जरूरत नहीं है तुम्हारे यहां तो मत डालो, फिर तब एसर्ट वाला ही सिर्फ रखना, ठीक है। लेकिन एसर्ट वाला तो जरूर रखना, एसर्ट वाला तो जरूर रखना, क्लियर है ये। और ये कैसा एसर्ट है, इसी एसर्ट को बोलते हैं क्या, हार्ड एसर्ट। अच्छा कितने मेथड है भाई, 25 तो दिख गए एसर्ट इक्वल्स नाम से ना, और ऐसे ही और एक मेथड है एसर्ट ट्रू, एक मेथड है जिसका नाम क्या है एसर्ट ट्रू, और वो आर्गुमेंट में सिर्फ एक आर्गुमेंट मांगता है, ट्रू भेजोगे तो पास होगा, फॉल्स आएगा तो क्या होगा फेल होगा। जो वेरीफाई इनेबल्ड और डिसेबल्ड नहीं है वहां उसका इस्तेमाल हो सकता है। एक एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स है और एक एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू है, दो तो याद ही रखना, और एक ये भी है तब एसर्ट डॉट एसर्ट फॉल्स है, एक उसमें एक ही आर्गुमेंट भेजना है क्योंकि वो तो खुद ही बता रहा है एसर्ट ट्रू कि भैया ट्रू होना चाहिए एक्सपेक्टेड, वो खुद ही बता रहा है जो तुमको भेजोगे वही क्या होगा एक्चुअल, ठीक है। ये क्लियर है, तो ये जरा मेथड 6-7-8 जो है बना डालू और प्लस इनको जरा यूज कर लू 2-4 जगह पे, और एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, लेकिन याद रखना ये एसर्शन कैसे है हार्ड एसर्ट। अब इसी में एक होता है क्या सॉफ्ट एसर्ट, एक होता है क्या सॉफ्ट एसर्ट, सॉफ्ट एसर्ट जानते हो जैसे ये एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल डायरेक्ट यूज होता है ना, वो ऐसे यूज नहीं होता, उसके लिए तुम्हें क्या करना होता है न्यू करके सॉफ्ट एसर्ट नाम की एक क्लास है, ये बाद में आई है, ये कहां आई है बाद में आई है, बहुत पहले नहीं थी, पहले नहीं थी। ये देखो न्यू सॉफ्ट एसर्ट नाम की एक क्या है क्लास है, और इसके बाद तुमने किया और मान लो ऐसे करके वेरिएबल का नाम रख दिया, अब यही ऐसे डॉट करोगे तब भी मेथड आएगा क्या एसर्ट इक्वल, यहां भी एक्सपेक्टेड एक्चुअल भेजोगे, यहां भी मैच होगा, लेकिन बस इतना एक अंतर आएगा, इतना ये अंतर आएगा यहां इस वाले अप्रोच में कि ये जो तुम्हारा एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स कर रहा है एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच कर रहा है, अगर ये फेल भी हो जाएगा तो अब उस टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन को वहीं तुरंत बंद नहीं करेगा, आगे भी चलेगा, इसीलिए नाम क्या है सॉफ्ट एसर्ट, कि अगर एसर्शन फेल हो जाए तब भी उस टेस्ट केस को आगे के स्टेप्स को चलाने की कोशिश करे। मान लो जैसे यहां तुम्हारा केस है, मान लो यहां फेल हो जाता है, यहां आगे भी तो बहुत स्टेप है ना, अगर अंदर सॉफ्ट एसर्ट का यूज होगा या सॉफ्ट एसर्ट यूज किया जाएगा तो ये आगे के स्टेप्स भी चलाने की कोशिश करेगा, चलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 20 सॉफ्ट एसर्ट लगा दो, 20 फेल हो जाए तब भी वो आगे उस टेस्ट केस को पूरा करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है सॉफ्ट एसर्ट, और जो वो यूज करते हो क्या है नॉर्मल जो है एसर्ट डॉट करके वो क्या है हार्ड एसर्ट। क्या करें कुकुम्बर में नहीं है, कुकुम्बर
इन सारे पर्पस के लिए, रनर के लिए और क्या कहते हैं एसर्शन के लिए इस्तेमाल करता है जे यूनिट का, और जे यूनिट के अंदर सॉफ्ट टेस्ट का कंसेप्ट नहीं है, टेस्टनजी में भी नहीं था, ये इनमें भी बहुत बाद में आया है। लेकिन ये भी बता दे कंसेप्ट है क्या सॉफ्ट टेस्ट, देखो जरा क्या होता है, यही एसर्शन फेल हो जाता है ना यार, फेल हो जाता है तो बंद हो जाता है ना, क्योंकि क्या आती है, क्या बोल रहे हैं एरर ना। अब देखो इसमें ध्यान से देखना इस चीज को, पहले हम लोग ऐसे यूज करते थे जब तक नहीं आया था, जब तक सॉफ्ट टेस्ट नहीं आया था तब भी हम लोग यूज करते थे सॉफ्ट टेस्ट, लेकिन हम लोग ये तरीका यूज करते थे, एक यूज करते थे क्या ट्राई ब्लॉक, ध्यान से देखो सब लोग, अब यहां पे लिखते थे क्या कैच, और यहां अगर हम लिख दें क्या एक्सेप्शन, ध्यान से, तो अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहां पे एक्सेप्शन नहीं आएगी, फेल होगा तो एरर आएगी। तुम देखो मेन स्ट्रक्चर समझो, सबसे पहले अगर कहें याद करो एक क्लास होती है कौन सी एक्सेप्शन, जो दुनिया की हर एक्सेप्शन वाली क्लास के अंदर एक्सटेंडेड है, चाहे वो नो सच एलिमेंट हो, चाहे नल पॉइंटर हो, कोई भी हो, सबका पेरेंट कौन है एक्सेप्शन। ऐसे ही एक और कैटेगरी है क्या एरर, जो भी एरर आती है चाहे सर्शन एरर हो चाहे जैसी एरर हो, एरर्स एरर भी क्या हर एरर जो भी जावा में है, जैसे ये सर्शन एरर है टेस्टन जी की, तो या इसके अंदर भी एक्सटेंडेड है कौन सी क्लास एरर नाम। यहां पे अगर ये लिखोगे अब जानते हो क्या होगा, ट्राई में आएगी क्या एरर, लेकिन ट्राई कैश लगाते हो तो हैंडल हो जाता है ना, अब ये कैश में आएगा फिर आगे बढ़ जाएगा, जैसे एक्सेप्शन नहीं आता था तुम्हारा, ट्राई कैच लगा दो तो एक्सेप्शन को सप्रेस करके आगे बढ़ जाता था, वैसे ही ट्राई कैच एक्सेप्शन मत लिखो, यहां क्या लिखो एरर, ये एरर को मैनेज करेगा एक्सेप्शन को मैनेज नहीं करेगा, और वैसे भी यहां क्या आएगी एरर। एक बात और देखो, एक और वर्ड लिख सकते हैं क्या थ्रोएबल, देखो हायरार्की ये है याद रखना सब लोग, सबसे पहले एक क्लास होती है जिसका नाम क्या होता है थ्रोएबल, थ्रोएबल क्लास एक्सटेंडेड है दो क्लासेस में, एक का नाम एरर एक का नाम एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन वाली क्लास दुनिया की हर एक्सेप्शन में एक्सटेंडेड है, और एरर वाली क्लास दुनिया की हर एरर है, तो थ्रोएबल सबका पेरेंट है, थ्रोएबल दोनों को मैनेज कर सकता है, एरर को भी और एक्सेप्शन को भी, और एरर और एक्सेप्शन, एरर दुनिया की किसी भी एरर को मैनेज कर सकता है, एक्सेप्शन दुनिया की किसी भी एक्सेप्शन को मैनेज कर सकता है। तो हम लोग इस तरीके से लगाया करते थे, ट्राई कैच में लिख के थ्रोएबल यूज किया कर लेते थे। भाई देखो हैंडल एकदम नहीं कर, एरर तो आ गई, एरर तो क्या हो गई आ गई, अब इसको हैंडल नहीं लिखे, अगर हमने हैंडल कर दिया तो इसका एक नुकसान भी होता था, याद रखो सब लोग देखो ध्यान से, अगर हम चलाते हैं हम लोग जानते हो अक्सर कौन सा एसेट यूज करते हैं, वही हार्ड वाला, हार्ड वाले की क्या क्वालिटी है, ये हार्ड वाला जब फेल होता है तो एरर फेंकता है, रेड हो जाता है, बंद हो जाता है, अगले टेस्ट केस पे जाता है, हमको साफ साफ दिखता है ना, जब ऐसे ट्राई कैश लगा दोगे ना, ये तो हैंडल कर दिया ना, कुछ फेल नहीं दिखाएगा, यहां भी हरा हरा दिखाएगा, और जो स्टेबल रिपोर्ट बन रही है वहां भी क्या दिखाएगा हरा हरा, अब तो तुमको हरा हरा दिखेगा तो तुम अंदर जाओगे ही नहीं, तुम कहोगे भाई कोई देखने की जरूरत ही नहीं, सब क्या बढ़िया चल रहा है, अब पता चला अंदर क्या थी दिक्कत, ये दिक्कत है कि नहीं है, इसलिए भाई हम लोग कहते हैं भरोसा किस पे करते हैं हार्ड शर्ट पे, सॉफ्ट में यही दिक्कत है। लेकिन अगर कहीं कभी भी सॉफ्ट यूज करते भी हैं तो सॉफ्ट शर्ट का एक मेथड और होता है क्या एसर्ट ऑल, जब इस मेथड का इस्तेमाल कर लेते हो तब जानते हो क्या होता है, तब इसके अंदर दोनों गुण आ जाते हैं। वैसे एक चीज याद रखना, पहले ये देखो ये वाला तरीका समझ में आया जो हम लोग खुद से किया करते थे, अब एक तरीका ये है कि भाई सॉफ्ट एसर्ट वालों ने अपना भी तरीका खुद ही दे रखा है, जैसे दे रखा है कि नहीं, ऐसे डॉट मान लो एसर्ट इक्वल दे रखा है ना, जानते हुए चला, अगर मान लो एक्चुअल फॉल्स है और एक्सपेक्टेड क्या है मान लो ट्रू है तो ये लाइन फेल होगी ना, लेकिन कुछ भी है वो नहीं आएगा रेड वेड, सब क्या दिखाई देगा एकदम हरा हरा दिखाई देगा, सब पास है,
बराबर है ना, इसीलिए साफ टी-शर्ट उतना अच्छा नहीं भाई, मतलब तब तुम, अब तुमको क्या हो गया, तुमको उस पर भी नजर रखनी है जो पास दिख रहा, पास तो सभी अक्सर मैक्सिमम क्या दिखते हैं, पास दिखते हैं, इसको किसको चेक करोगे, पास का टेस्ट कैसे चले तो सबको देखोगे। इसलिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, हार्ड एशर्ट, कम से कम वो फेल होता है, रेड दिखाता है, वैसे भी अगर फेल हो गया तो अब तो चलो उसे चेक ही करना है कि आखिर फेल क्यों हो रहा है, आगे चलाने का मतलब क्या। लेकिन फिर भी बहुत से लोग चाहते हैं नहीं भैया, अगर मेरे यहाँ 20 वैलिडेशन है, एक फेल हो जाए तब भी आगे काम करो, तो वो लोग क्या यूज करते हैं, साफ टी-शर्ट। वो लोग एक छोटी सी सावधानी लास्ट में बरतते हैं, लास्ट में मेथड कॉल कर लेते हैं, कौन सा, ये क्या करता है मालूम, ये यहाँ लाल भी कर देता है, एक्सेप्शन वहां पे प्रिंट भी हो जाती है, किसमें, इनवेलेबल रिपोर्ट के अंदर, मतलब फेल भी हो जाता है और चलाना बंद भी नहीं करता, मतलब दोनों चीज मिल जाती है। हार्ड एशर्ट क्या करता था, रिपोर्ट देता था लेकिन फेल करता था, साफ वाला क्या था, रिपोर्ट नहीं देता था, उसने क्या कर देता था, बस हम चाहते थे कि भाई रुके भी ना और रिपोर्ट में भी आए, तो हम लोग दो चीजों का यूज करते हैं। लास्ट में एक चीज जरूर यूज करते हैं, क्या, ये रिपोर्ट में इस चीज को क्या कर देता है, मेंशन कर देता है, अदरवाइज इसको ना लिखो और सॉफ्ट एशर्ट चला दो, चीज भले लाख फेल हो जाए एकदम पास पास दिखाएगा, सब कुछ कहेगा, कुछ दिखाएगा नहीं, कोई डिटेल ही नहीं कहेगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब लास्ट में एशर्ट ऑल जोड़ दोगे तब ऐसा नहीं करेगा, तब वो ये क्राइटेरिया के साथ चलेगा। इस टेस्ट केस में जो हम चला रहे थे, मान लो यहाँ 15 वैलिडेशन लगे थे, तो भाई जो फेल थे उनको भी आगे छोड़ के आगे आ रहा था, तो उन 15 में से अगर कोई भी एक फेल होगा, 15 में से कोई भी एक फेल होगा, तो हम रिपोर्ट को क्या दिखाएंगे, फेल दिखाएंगे, रेड कलर से दिखाएंगे और उसकी डिटेल भी वहां पे देंगे, बंदा एनालाइज भी कर सके और वहां टेस्ट केस में उस स्टेप पे रुके भी ना, आगे बढ़े। अब फिर एक और क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, ये भी, कब यूज करोगे साफ टी-शर्ट, कब यूज करोगे क्या, हार्ड टी-शर्ट, ये जरूर पूछेंगे। इसका भी जवाब क्या है, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा वैलिडेशन होगा जिसके फेल होने के बाद तुम्हें लगता है कि आगे चलने का मतलब नहीं है, जैसे एक टेस्ट केस में तुम वेरीफाई कर रहे हो पहले कि यार पहले कि अगर अकाउंट क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करें तो पहले क्या आना चाहिए, क्रिएट अकाउंट नाम का पेज, एक एसर्शन लगा रखा, आगे तुम फॉर्म फिलअप कर रहे हो और इसके बाद उनके लिए भी आगे एसर्शन लगा रखा है, बताओ अगर वो वही एसर्शन फेल हो जाए पेज खुलने वाला, तो आगे चलने का मतलब है, अगर क्रिएट अकाउंट पेज नहीं खुला, आगे लाख साफ टी-शर्ट लगा के चला भी दोगे तो क्या मिलेगा भाई, अगर तो देखो एक तो ऐसी है, वो हो सकती है assertion वाली फेल कि भाई तुम ये वेरीफाई कर रहे हो कि क्रिएट अकाउंट पेज खुला या नहीं खुला, आगे तुम फॉर्म फिलअप करने के बाद सेव कर रहे हो और ये चेक कर रहे हो कि 10 अकाउंट में जो 10 चीज डाली थी वो 10 चीज वहां सामने आ रही है कि नहीं, मान लो अकाउंट नेम गलत आ रहा तो क्या उससे एड्रेस में फर्क पड़ता है, एड्रेस मान लो एड्रेस वाला वैलिडेशन फेल हो जाए तो क्या, मान लो कहीं एक फॉर्म भरा 10 वैल्यू भरी एक चीज गलत आ रही है तो क्या 9 चीजें और आगे टेस्ट नहीं कर सकते, तो एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंडेंसी नहीं है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है ना, लेकिन ये वाला वैलिडेशन सोच के देखो जो ये चेक कर रहा है कि क्रिएट अकाउंट वाला पेज खुला या नहीं, वो तो ऐसा स्टेप है अगर फेल हो जाए, वो एक्सेप्शन फेल हो जाए तो आगे चलने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हाँ अगर अकाउंट नेम वाला वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो जो हम वेरीफाई कर रहे हैं अकाउंट नेम वेरीफाई कर रहे हैं, फोन नंबर वेरीफाई कर रहे हैं, एड्रेस, तो फोन पे और एड्रेस पे क्या अकाउंट नंबर का कोई फर्क पड़ेगा भाई, फॉर्म में 10 चीजें गलत थी, एक चीज गलत है, 9 चीज क्या है सही, तो हम चाहते हैं वो भले फेल हो रहा है लेकिन आगे की चीजें टेस्ट करो। बात समझ में आया, ध्यान से सुनो फिर से, जब भी हार्ड एशर्ट वही ऐसे वैलिडेशन में हार्ड एशर्ट लगाना है जहां लगता है कि अगर ये वैलिडेशन फेल हो जाए या ये सिचुएशन फेल हो जाए तो आगे चलाने का मतलब नहीं है, तो तुम क्या लगाओगे हार्ड एशर्ट, और जब तुमको ऐसा फील होगा कि ये फेल हो जाए फिर भी, ये फेल हो जाए फिर भी लेकिन आगे की चीजें टेस्ट करो, भाई अकाउंट नेम फेल हो गया तो क्या हुआ, फोन नंबर तो टेस्ट करो,
एड्रेस अटैच करो, ऐसा थोड़ी नहीं अकाउंट नंबर फेल नहीं आएगा तो फोन नंबर भी नहीं आएगा, हो सकता है वो ना आ रहा है, वो आ रहा तो हम चाहते हैं आगे बढ़े। बात समझ आई? ऐसी चीजों को साफ के साथ, और जो ऐसी चीजें हैं जिनके जिनके फेल होने के बाद तुम्हें लगता है कि आगे टेस्टिंग का मतलब नहीं है उस टेस्ट के, उनको हार्ड साइड से मैनेज करना, और जिनको लगता है कि ये फेल हो जाए फिर भी आगे टेस्ट करो तो उससे मैनेज करना सॉफ्ट साइड से। और वैसे ये तो बताने के लिए, और जनरली जब हम लोग यूज करते हैं तो अक्सर क्या यूज करते हैं, हार्ड साइड यूज। हम जब लगता है जब टेस्ट फेल हो गया तो अब क्या आगे चला रहा, बंद करो हम पहले देखेंगे कि आखिर फेल क्यों, अब तो हमें देखना है ही फेल हो गया तो अब तो हमें चेक करना ही है कि आखिर फेल क्यों हुआ। लेकिन ये सॉफ्ट एसेट और हार्ड एसेट बहुत पूछते हैं इसी को। हाँ एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ध्यान से समझना। अरे भाई मत घबराओ, अब लास्ट टाइम है भाई, अब क्या बताएं। ये देखो क्वेश्चन ऐसे करेंगे, कहेंगे डिफरेंस बताओ वेरीफाई और एसर्ट में। बताओ वेरीफाई नाम की कोई क्लास बोली अभी तक हमने? वेरीफाई नाम की कोई क्लास में हमने मेथड का नाम रखा था ना वेरीफाई, इनर टेक्स्ट है ये वेरीफाई। लेकिन वो तुमसे पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन वेरीफाई एंड एसर्ट, तो उनका मतलब उन लोगों की ऐसी टर्मिनोलॉजी चल रही होती है जो बहुत पुरानी है, वो ये सोच उनका मतलब होता है वेरीफाई का मतलब सॉफ्ट एसर्ट वो पूछ रहे होते हैं, और एसर्ट को बोलने का मतलब उनके लिए क्या होता है हार्ड एसर्ट। बात ये है ना, जब शुरू शुरू में सेलेनियम आया था तो सेलेनियम आईडी था ना, जो सेलेनियम आईडी था वहां पे भी वैलिडेशन के लिए दो कमांड यूज हुआ करती थी, एक वेरीफाई करके और एक क्या करके एसर्ट करके। जो वेरीफाई वाले थे वो साफ थे, मतलब फेल होने पे भी आगे बढ़ते थे, और एसर्ट वाले आगे नहीं बढ़ते थे। तो तभी से एक लोग बोलने लगे, क्वेश्चन पूछने लगे क्या कि वेरीफाई और एसर्ट में अंतर बताओ। उनका कहने का मतलब यही होता है सॉफ्ट एसर्ट और हार्ड एसर्ट में अंतर, मतलब उनका कहने का मतलब उनको बताओ कि वेरीफाई का मतलब ऐसा ऐसा वैलिडेशन जहां पे अगर वो फेल हो भी जाए तो भी आगे टेस्ट केस को कंटिन्यू करना, और एसर्ट है तो उस टेस्ट केस को वहीं बंद करके अगला कंटिन्यू। ठीक है, याद रहेगा ये वर्ड याद रखना। ये तो हमें नहीं पता, देख के बताएंगे। ठीक है, हार्ड सॉफ्ट डिपेंडेंसी और हार्ड डिपेंडेंसी देख के बताएंगे यार। हाँ नहीं हो रहा यार, मुझे ये देख के बड़ा आश्चर्य है। तो भाई देखो, अब भाई देखो जैसा उसका बिहेवियर है उसके हिसाब से यूज, जरूरी नहीं है कि कुछ यूज ही करो, ऐसा नहीं है कोई कसम खाए कि हम बेहोल को यूज ही करें। अरे जैसे हम ही है, हमने कभी नहीं यूज किया अपने रियल उसमें, हमें जरूरत नहीं पड़ती। भाई देखो यही होता है काम करने और पढ़ाने में, यही फर्क होता है। ऐसे हम बहुत सी चीजें ऐसे एनकाउंटर करते हैं जो हम शायद काम में कभी ना सोचते, क्योंकि तुम लोग पूछ रहे है ना, इसी वजह से थोड़ा ज्यादा अपग्रेड हो जाते हैं जनरली जो कंपेयर में जो काम करते हैं उनसे। लेकिन हाँ ऐसे तो बहुत है, जैसे देखो बिहेवियर वही था ना, बाकी कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ कौन चल रहा था, वही अकेले चल रहा था। हाँ वो नहीं चले तो अपने हिसाब से देखो, जरूरी नहीं कि सारे रोटेशन तुम यूज ही करोगे, तुम अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखोगे कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है। हम बता तो रहे हैं रियल में, हम अपना बताएं, जब हम लोग बनाते हैं तो कभी भी बिफोर क्लास में ब्राउजर लॉन्च नहीं करते, और ना आफ्टर क्लास, इतना झंझट ही नहीं पालते। हम कहते हैं भैया बिफोर मेथड में ही लॉन्च करेंगे, उसी में लॉग इन करेंगे, और आफ्टर मेथड में क्या करेंगे, अगर लॉग आउट करने की जरूरत है। जैसे बहुत से एप्लीकेशन होते हैं जिनपे लॉग आउट ना करो तो अगली बार लॉग इन करो तो दिक्कत पैदा करते हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो लॉग आउट करने की भी जहमत नहीं उठाते, सीधे क्या करते हैं क्लोज करो आगे बढ़ो फिर दूसरा चलाओ। ऐसे मतलब जब हम रियल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे लिए अब क्या बेटर है, कितनी सहूलियत है। भाई फंक्शनलिटीज तो बहुत दे रहा है, लेकिन सारी फंक्शनलिटी को हमें कई बार हमें जरूरत नहीं पड़ती, और कई बार पड़ती अपने हिसाब से चीजों को हम क्या करते हैं। भाई ये फ्रेमवर्क है, इसमें कई फीचर्स दे दिए गए, अब अपनी चीजों के हिसाब से तुम उसको ट्यून करते हो, एडजस्ट करते हो, जैसे तुम्हारी क्या होती है जरूरत होती है। तो बहुत सी चीजें उस तुम यूज करो, बहुत सी चीजें यूज ना भी करो। ठीक है,